देख रहे हैं CN24। समस्त भारतवर्ष के हिंदू समाज का ये सहयोग है, जिन सलाखों में बंद हो जाते थे उन सलाखों के सरिये ढीले हो जाते थे, उनके मंसूबे फैल हो जाते थे, जिन जेलों में रहते थे वो जेलर लेकर के मेवा और पकवान लेकर के खड़े हो जाते थे कि हमारा सौभाग्य है आज कोई जेल में बंद हो ले तो जेल से जल्दी छूटना चाहता है। हम लोग जेल में थे तो ये एहसास ही नहीं हो रहा था, जो लोग जेलों में गए हैं, क्योंकि जेल में गए हैं सर्किट हाउस में हुए तो उसमें 84 कोस की जब परिक्रमा का बंद से लग गई तो सुबह रोजा गेस्ट हाउस पड़ता है हमारे फैजाबाद से लगा हुआ, तो उसमें हमको ले गए। मैं 5 बजे आ रहा, किस पता नहीं यार कहाँ से रिपोर्ट ले लाई, तो देवी के रंगमहल की मान जी आ रहे, तो 5 बजे ही उनने कर लिया हमको, कहा कि आपको रहना पड़ेगा। तो एक व्यक्ति ने बहुत ऊँची बात की बड़ी मार में कि आप ये स्वीकार कर लो कि मैं उस पार्टी का व्यक्ति हूँ तो मैं आपको छोड़ दूंगा, बहुत बड़ा अधिकारी था। अरे हमने कहा कि आप वहाँ छोटी सी बात के लिए हम जेल भी छोड़ देंगे, अपना हस्तो छोड़ देंगे जिसके लिए मैंने जन्म लिया। मैं तो अपने को गौरवान्वित हो रहा हूँ कि आज आप हमको ले जा रहे हैं और उस जगह बंद करेंगे तो हमारा एक इतिहास स्वर्ण का चोरों में लिखा जाएगा। इसके लिए मैं छोटी बात कर दूंगा कि मैं जेल छूटने के नाते मैं कह दूंगा मैं इस पार्टी का व्यक्ति हूँ। गोला में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र समर्पण निधि अभियान समिति कार्यालय का हुआ उद्घाटन। बुधवार को रंगमहल अयोध्या के महंत राम शरण दास जी महाराज के द्वारा भगवान श्री राम के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर उपनगर गोला के पश्चिमी चौराहा स्थित समर्पण समिति के कार्यालय का शुभारंभ वेद मंत्रों के उच्चारण के साथ किया गया। इस अवसर पर विश्व हिंदू परिषद के प्रांत सहमंत्री एवं जिला अभियान संयोजक अश्वनी ओझा ने कहा कि अयोध्या का सिर्फ राम मंदिर नहीं, यह राष्ट्र का मंदिर है। राम मंदिर के निर्माण में हर नागरिक सहयोग देगा तभी राम मंदिर को राष्ट्र का मंदिर बनाने का सपना साकार होगा। सह प्रमुख राम सागर पति त्रिपाठी ने कहा कि भगवान राम देश की आत्मा हैं, उनके मंदिर निर्माण के लिए धन की कोई कमी नहीं है, लेकिन प्रत्येक हिंदू के लिए यह गर्व की बात होगी कि वह समर्पण राशि देकर मंदिर निर्माण में सहभागी बने। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र समर्पण निधि अभियान के लिए 15 जनवरी को जन जागरूकता रैली निकाली जाएगी। इस रैली में शामिल होने के लिए भाजपा महिला मोर्चा की क्षेत्रीय उपाध्यक्ष अस्मिता चंद्र ने आम जनमानस को अपील की है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण निधि समर्पण अभियान के निमित्त गोला नगर से एक जन जागरण रैली रामलीला मैदान से शुरू होकर के इस अभियान के लिए चंद चौराहे पे जो कार्यालय बना है वहाँ तक आएगी। दिनांक 15 तारीख को समय 12 बजे। आप सभी से अनुरोध और निवेदन करती हूँ कि आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस रैली में उपस्थित होकर के इस अभियान को और मजबूती प्रदान करें और राम मंदिर निर्माण में ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें। धन्यवाद।